तीर्थेश और दुबई स्वामी के शासन में हम श्री बृहस्थ तीर्थंक दिनेंद्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीष्यो जगत कल्याण ये सर्वज्ञ शासन नमस्त शासन जयवंत हो जयवंतो भीतरा श्रवण संस्कृति भगवत अर्थ परमेश्वर तीर्थंक दिनेश्वर देव ने विश्व को वस्तु की औसत का सत्याभूत प्रदान किया है। संपूर्ण विश्व जिस परम शांति की खोज में जी रहा है वह शांति जीव के स्वयं के अंदर है। सुख का आनंद सुख के पास है। पर के पास न इंद्रियों का आनंद है न अतिंद्रिय आनंद है। पर के पास न इंद्रिय आनंद है न अतिंद्रिय आनंद है। ब्रह्म धर्म दैत्यभूत है। ब्रह्म धर्म द्वैतभूत है। ब्रह्म धर्म अद्वैतभूत है। पर के पास न इंद्रिय सुख है पर के पास न अतिंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख भी है तो जीव के स्वयं के पास है। अतिंद्रिय सुख है तो जीव के स्वयं के पास है। जो अतिंद्रिय आनंद है वो है आत्म ब्रह्म का आनंद है। इंद्रिय आनंद है वो कुशील का आनंद है। कुशील का जो आनंद है वो इंद्रिय आनंद है। वह भी है जीव पर के पास नहीं है वो भी तेरे ही पास है। स्त्री का सुख स्त्री के पास है पुरुष का सुख पुरुष के पास है। यदि किसी जीव की शक्ति का नाश हो जाए कोई जीव नपुंसकता को प्राप्त हो जाए न स्त्री सुख देती है न पुरुष सुख देता है। तुम्हारे स्वयं के अंदर शक्ति है वही तुमको सुख देता है। जिस शक्ति का छे करके जीव नेत्रों की ज्योति मंद बालों की सफेदी शीघ्र बुद्धि का विकास की विज्ञान विनाश चेहरे की चमक समाप्त। हे मित्र चेहरे की चमक समाप्त बुद्धि का विकास समाप्त और पुण्य का विनाश शीघ्र जिससे होता है उसका नाम है अब्रह्म भाव। इसका नाम है अब्रह्म भाव। हे मित्र जिससे प्रज्ञा की प्रचंडता नेत्रों की ज्योति की चमक चेहरे में चमक पुण्य की वृद्धि यश की वृद्धि चारित्र की वृद्धि शरीर की दृढ़ता और वचन की बात पटता जिसके पास है उसका नाम है ब्रह्म भाव। ब्रह्म भाव का विनाश होते ही व्यक्ति के सबसे प्रथम जैसे पाला पड़ जाए तो वृक्ष झुलस जाते हैं। फसल झुलस जाती पाला पड़ते ही फसल झुलस जाती है। ऐसे मित्र अब ब्रह्म प्रणाम होते ही
अब्रह्म के भाव होते ही जीव की विशुद्धि पर पाला पड़ जाता है। विशुद्धि पर पाला पड़ता है, पल पल में पर को निहारने के परिणाम जहां होते हैं उसका नाम है अब्रह्म भाव। इन नेत्रों ने दूसरे के चेहरे को आंख खोल करके देखा, दूसरे के चेहरे को आंख खोल के देखा तो मित्र अपने चेहरे को दर्पण के सामने रख के देखा। पर के चेहरे देखने में समय नष्ट किया है तो स्वयं के चेहरे देखने में समय नष्ट किया है। लगता है ऐसे समय नष्ट किया है। समय यानी घड़ी के कांटे, समय यानी आगम, समय यानी आत्मा, समय यानी काल, समय यानी शास्त्र, समय यानी आत्मा। जिस जीव ने पर के चेहरे को देखने में समय नष्ट किया है उसने अपने आयु कर्म के निषेक समाप्त किए। जिसने पर को निहारने समय नष्ट किया है उसने आगम ज्ञान का समय नष्ट किया है। जिसने पर के देह चेहरा देखने में समय नष्ट किया है उसने ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को देखने का समय नष्ट किया है। अब आइए मित्र, अग्रवान वस्तु कौन है, कीमती वस्तु कौन है? हे मां है, डायरी पे लिख लो मित्र, हर व्यक्ति कमजोर होता है चारित्रवान के सामने। हर व्यक्ति कमजोर होता है चारित्रवान के सामने, और कुशील कितना ही बलवान हो लेकिन कमजोर ही होता है। चोर के पैरों में दम नहीं रहती है। पर सीता ने अपने सील की रक्षा की तो विश्वास मानिए रावण का व्रत भी सीता के सील की रक्षा में कारण बना है। रावण का व्रत भी, ये किसी को देश को पता होना चाहिए, पूरे देश को, कि लंकेश बलवान था, पकड़ लेता, लेकिन नहीं। आज तुम कहिए गुरुओं का मंगल आशीष और गुरुओं का मंगल दर्शन चेहरे का और गुरुओं की दूरदर्शता देखिए, रावण बड़ा होशियार बन के गया था। सभी लोग भगवान राम से, किनसे? अनंत वीर सारस्वत जी, अनंत वीर केवली से सभी व्रत ले रहे थे। तो रावण सोचता है मैं कौन सा व्रत लूं। देखो संयम का पुण्य अलग होता है, विभूति का पुण्य अलग होता है। बड़ी चतुराई से उसने नियम लिया। बोले क्या छोड़ूं। वो सोचता कि एक व्रत लेता हूं, मैं रूपवान हूं, त्रिखंडपति हूं, सौमी, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उससे बलात्कार नहीं करूंगा। ये नियम ले लिया गुरु ने तथास्तु। पर बेटा छोटे सा छोटा नियम लियोगे परीक्षा हो जाएगी। सीखो अतुल कुछ रावण से। मित्र समझ, रावण ने क्या नियम ले लिया, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसको जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन ओहो, रावण ने प्राण दे दिए पर अपना नियम नहीं तोड़ा। है कोई सभा में ऐसा आदमी जो ये नियम ले ले? जो नियम रावण का था वो मेरा भी रहेगा। तीर्थंकर बनेगा रावण? हाथ ऊपर करो भाई। हे मित्र समझ, परीक्षा हो जाएगी। रावण को पंडित आशाधर का सूत्र याद आ रहा था। वहां पर प्राण अंतिम भंग
द्रव्यम गुरु साक्षी सतम व्रतम प्राणंत तक्षणतम व्रत भंगो भवे हुए। प्राण का अंत भी कौन हो जाए पर गुरु की साक्षी लिए व्रत को भंग नहीं करना। प्राणंत तक्षण दुखम, जिसके प्राण का अंत हुआ है तत्काल में दुख होगा लेकिन व्रत भंगो भवे भवे, जिसने व्रत भंग किया है भवो में दुखी होगा। कैसा विधि का विधान, कैसा विधि का विधान। ओहो हो, ये भारत की भूमि उन्हीं के नाम चलते बोटू भैया। एक नन्ना सा बालक जो गुड्डा गुड्डियों खेल खेलने के समय, नन्ना सा बालक बेटा गया दिगंबर मुर्जात के पास और व्रत लेके आ गया शादी के पहले। स्वामी मैं शुक्ल पक्ष का व्रत का पालन करूंगा। तो विधि का विधान तो देखो, बालिका विजया वो अपने दूसरे गांव में रह रही थी, वो गुरुजी के पास उन्हीं मुनिराज उनका बिहार होकर वहां पहुंच गए। वो कहती है स्वामी मैं नियम लेती हूं कृष्ण पक्ष में सील से रहेंगे। एक पक्ष का ही तो नियम था। नमन दे ज्ञानी अलंग शक्तिर भवते थे। दोनों के पिताओं को कुछ पता नहीं और दोनों के पिताओं ने मिलकर के बाल का धर्मात्मा बालक धर्मात्मा है सोच करके वो शादी करते। दिन आया सौभाग्य की रात्रि, शुक्ल पक्ष नहीं था वो कृष्ण पक्ष था। विजय पहुंचते, विजया पैर पकड़ लेती है, स्वामी जीवन भर सुख भोगेंगे लेकिन हमने भीतरा के दिगंबर मुनि से एक व्रत लिया छोटा सा। बोले क्या? हे प्राणनाथ मेरे व्रत की रक्षा तुम्हारे हाथ, धन उस युवा को। बोले बोलो ना, मैंने कृष्ण पक्ष का सील का व्रत लिया है। जय जिनेन्द्र बोल करके मुझे वापस चला गया। शुक्ल पक्ष आया, युवती विजया सोचती स्वामी के पास जाए, स्वामी सो रहा है, जगाया। बोली विजया क्षमा करना, क्षमा करना, विधि को नहीं पसंद, हम आपको सुख नहीं दे पाएंगे, मेरा शुक्ल पक्ष का नियम है। सुनते ही विजया के रोंगटे खड़े हो गए। हे विधि ये क्या हुआ नाथ? बोले कुछ नहीं। विजया क्या बोलती है सुन बेटा, विजया क्या बोलती है? पत्नी भारतीय संस्कृति है, एक नारी के अनेक पति नहीं हो सकते। पर स्वामी मेरे पीछे अपना सुख मत छोड़ो, आप दूसरी शादी कर लो, कुल चलेगा। युवा विजय सेठ क्या बोलता है? देवी आपको मालूम होना चाहिए जो नारी अपने संयम का पालन कर सकती है तो क्या मैं नपुंसक हूं, मैं पुरुष हूं,
ये कभी नहीं हो सकता। वे वीर नहीं जो संग्राम में भुजाएं काट के आ जाए योद्धाओं की, वे वीर नहीं है। जोड़ भी जान भी आरंभ तरुणी कुड़क बाण विद्युसी सोचे सूरो नर सूरो न हवे सूरो। भगवत कांत के सोमी कांत की उपेक्षा ग्रंथ में लिख रहे हैं, अहो ज्ञानी जो रणांगण में जाकर के सुबुटों की भुजाओं को निकाल के आ जाए, नर सूर न हवे सूरो। नर में रणांगण में सूरता दिखा रहे हैं, वे सूर नहीं है। जो नवि जा देवी आरो तरुणी कड़क बाण विध्वसी तरुणियों के कटाक्ष रूपी बाणों से जो न विधे, वे सूरों में सूर है, वे दिगंबर योगेश्वर धन्य है। ये उत्तम ब्रह्मचर्य सवंगम पेचंतो शवंगम पेचंतो। शील की रक्षा करना है, शील की रक्षा करना है तो मित्र, तो मित्र अनुशासन की रक्षा करना पड़ेगी। शील की रक्षा वे ही कर पाएंगे जो मर्यादाओं की रक्षा करेंगे। हमारे आगम में जितनी मर्यादाएं लिखी पंडित जी, संपूर्ण देश के जीव उन्हें देख लेना तो कोई किसी पर अंगुली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। बार बार मेरा कहना आप सबसे, माँ बालको आरका माता आती बड़नगर में बड़ोद में आहार कराना, प्रवचन सुनना, उनके पास बैठने नहीं जाना, वे बुलाएं भी ना तब भी नहीं जाना। वो काम इन माता बहनों का है। ब्रह्मचारी आए प्रवचन सुनना, लेकिन वे बुलाएं भी तब भी नहीं जाना। बेटा शील भंग ना हो, यह सब भंग तो हो सकता है। मैं तो पर्यायी तो पुनः चर्चा करूँगा, अपने जीवन में संयम को स्वीकार करो, संयम को स्वीकार करो, संयम को स्वीकार करो। ब्रह्म ही परम ब्रह्म की हेतु बनेगा। भगवान महावीर स्वामी की ओम। ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाई नमः।